इस कारखाने में यूं ही रोजाना पिछले 100 सालों से लगभग 200 किलो आलू प्याज पनीर की सब्जी को तैयार किया जाता है और उसे सर्व किया जाता है इस मटके वाली रोटी के साथ, साथ में मिर्ची के टपोरे और ये लहसुन मिर्च की चटनी। और ये खाने में इतनी स्वाद होती है कि आप अपनी उंगलियां तक चाट जाएंगे। इसके अलावा महावीर रबड़ी भंडार की रबड़ी भी इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। कहते हैं इनसे बेहतरीन लच्छे वाली रबड़ी पूरे इंडिया में कोई नहीं बनाता। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने ये मसाला डालना शुरू कर दिया है। टमाटर और प्याज का ये मसाला है, इसमें अदरक है, लहसुन है, मिर्ची है, ये सारा मसाला इधर इस तेल के अंदर अभी डाला जा रहा है। यहाँ पे इसको और अच्छे से फ्राई किया जाएगा और अच्छे से पकाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, आलू और प्याज की सब्जी तैयार की जा रही है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आलू है उनको फ्राई किया जाता है। तो जी, एक टाइम पे यहाँ पे लगभग 100 किलो आलू पनीर प्याज की सब्जी को तैयार किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 किलो जो पनीर है वो एकदम फ्रेश यहाँ इस कारखाने में तैयार किया गया है। अब उसको पीसेस में काटा जा रहा है, उसके बाद आलू के साथ जो फ्राइड आलू है उसको सब्जी में डाला जाएगा। इसको फ्राई करके डालते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब जो पनीर है उसको फ्राई किया जा रहा है। ये देखिए जी, ये जो कारखाना आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार रबड़ी और ये सब्जी आलू प्याज पनीर की सब्जी जो है वो तैयार की जा रही है। कितने बड़े पैमाने पे की जाती है आप देखेंगे। तो टमाटर प्याज अदरक लहसुन मिर्ची का मसाला है वो जो है वो अब सुनना शुरू हो चुका है, पकना शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे जो रोगन है वो ऊपर भी आने लग चुका है। तो यहाँ पे देखिए जी, पनीर जो है वो फ्राई हो चुका है। अब उसको यहाँ पानी में निकाल लिया जाएगा ताकि जो पनीर है वो सॉफ्ट रहे जब आप उसको खाएं। तो करारा एकदम पनीर, और यहाँ इसको नमक वाले पानी में बाहर जो है वो निकाल लिया जाता है। देखिए, तो ये देखिए जी, जो आलू प्याज की सब्जी तैयार की जाती है उसके लिए जो मसाला है उसको पहले पकाया जाता है लगभग 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे ये जो आप चाचा देख रहे हैं पिछले 40 साल से यही बना रहे हैं आलू प्याज की सबसे बेहतरीन सब्जी, जो कि महावीर रबड़ी भंडार की मोस्ट फेमस डिशेज में से एक है। अब ये देखिए, ये जो मसाला अंदर पक रहा है ये लगभग आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, और 15-20 मिनट और लगेंगे। आलू फ्राई हो चुके हैं, पनीर फ्राई हो चुका है। अब ये देखिए, प्याज जा रहे हैं इसमें फ्राई होने के लिए। तो प्याज को भी फ्राई करके इसमें डाला जाता है। साबुत प्याज जो छोटे वाले साइज के होते हैं वो इसमें पड़ते हैं। ये देखिए जी, जो मसाला है वो पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर डाली जाएगी जी दही। तो दही को यहाँ पे छान के डाला जाता है। तो जी, धीमी धीमी आंच पे यहाँ प्याज जो है उसको फ्राई कर लिया गया है। अब इसको भी बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके बाद इसको ग्रेवी में डाला जाएगा। तो जी, जो थाली आप यहाँ पे खाते हैं उसमें ये मिर्ची के टपोरे भी जाते हैं। अब ये मिर्ची जो है आप देखेंगे इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, कुछ मसालों के साथ मिलाया जाता है और फिर प्लेट में सजा के दिया जाता है। ये बेजड़ की रोटी होती है, इतनी ज्यादा फेमस है यहाँ जयपुर में कि एक बार जो इसे खा लेता है ना बाकी सारी रोटियों का स्वाद भूल जाता है। अब देखिए, इस तरीके से चूल्हे के ऊपर सबसे पहले मटका है जिसको इन्होंने रोटी की साइज में, रोटी की शेप में जो है वो काट के रखा हुआ है। बेजड़ की रोटी बाजरे की होती है, अलग होती है। तीन आटा मिक्स होते हैं इसमें। कौन कौन सा आटा मिक्स होता है? जौ, गेहूं और चना। तो जौ, गेहूं और चना को मिक्स करके यहाँ बेजड़ की रोटी बनाई जाती है। ये बाकी रोटियों से काफी ज्यादा बड़ी भी होती है और मोटी भी होती है, और इसको बनाने की जो कला है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है बाकी रोटी से। अभी देखिए, हाथ से ये पहले इस तरीके से रोटी को शेप करती है, एक्सेस जो आटा है उसको निकालती है, फिर उसके बाद इसको यहाँ ये बेलती है। देखिए किस तरीके से, वाह। तो ये देखिए जी, यहाँ पे एक तरफ से रोटी पकने के बाद उसको दूसरी तरफ से पकाया जा रहा है, और ये मटके वाली रोटी है। ये देखिए, ये हो चुकी है बेजड़ की रोटी, अभी 70% तैयार, और बाकी की 30% कहाँ होगी? कोयले पे। देखिए, अब कोयले पे दोनों तरफ से इसको पकाया जाएगा, और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगी फिर इसको आलू प्याज पनीर की सब्जी के साथ सर्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे तैयार हो रही है लहसुन और मिर्ची की चटनी, जो कि सर्व की जाती है थाली के अंदर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है क्योंकि इसके बिना जो थाली है ना वो इनकम्प्लीट है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो लहसुन और मिर्ची को इन्होंने पीसा है उसका यहाँ तड़का लगाया जाता है घी में डाल के, जीरे के साथ, और उसके बाद ये चटनी तैयार की जाती है। अब आपने कभी ऐसी चटनी कहीं खाई है तो मुझे जरा बताओ। तो जी, जो पनीर को यहाँ पानी में डुबो के रखा जाता है उसके बाद यहाँ पे ये आंटी आके इसको अच्छे तरीके से हाथों से निचोड़ती है पनीर के पीसेस को, और फिर इसको इस टोकरी में डाल दिया जाता है।
इतना बढ़िया जो रोगन यहाँ आ गया है सरफेस के ऊपर, अब उसमें नमक को डाला जाएगा, फिर मिक्स किया जाएगा, उसके बाद जाएंगे इसमें पनीर, आलू और प्याज। तो जी ये आ गया इसके अंदर, अब जो पनीर जाएगा, देखिए यहाँ पे फ्राइड पनीर पानी में भिगो के हाथों से निचोड़ के पनीर को सब्जी में डाला जा रहा है। भाई साहब ये देखिए पनीर डालने के बाद यहाँ पे अब देखिए आलू को जो उन्होंने पहले फ्राई करके रखा हुआ था वो अब इसमें डाले जा रहे हैं जी। आलू अब आ रहे हैं यहाँ पे फ्राइड, ये अनियन यहाँ पे, ये देखिए भाई साहब क्या बढ़िया एकदम ये सब्जी यहाँ पे तैयार हो रही है। और ये जो आप हांडा यहाँ देख रहे हैं ये 200 किलो का हांडा है यहाँ पे, और इसके अंदर एक टाइम पे 100 किलो सब्जी को तैयार किया जाता है। तो जी ये है इनका अपना सीक्रेट मसाला, और ये सीक्रेट मसाला है जी नथिंग मोर देन अ गरम मसाला, बट ये गरम मसाला खुद अपने हाथों से यहाँ पीसा जाता है, खुद तैयार किया जाता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो यही बनाता है इनकी इस सब्जी को बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये देखिए जी यहाँ पे तैयार की जा रही है, दिल्ली की छोड़िए, जयपुर की छोड़िए, राजस्थान की छोड़िए, बल्कि इंडिया की सबसे ज़्यादा फेमस रबड़ी। जी हाँ, महावीर रबड़ी भंडार का नाम पूरे वर्ल्ड में रबड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसको किस तरीके से बनाया जाता है ना आप यहाँ पे देखिए, लगातार यहाँ पे कढ़ाई में जो दूध है उसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए भी इन्होंने दूध या कड़छी को छोड़ा तो ये जल जाएगा। और लगातार जैसे जैसे मलाई ऊपर आती रहती है उसको ये कढ़ाई की परत पे साइडों पे निकालते रहते हैं, लगातार हाथों से पंखे को झलते रहते हैं ताकि जो दूध है वो बॉयल होता रहे और ऊपर से मलाई की परत आती रहे। जी अभी इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे 10 किलो भैंस का दूध को कढ़ाई में डाला जाता है और उसको काढ़ के रबड़ी को तैयार किया जाता है, और सिर्फ 3 लीटर या 3 किलो रबड़ी जो है वो 10 लीटर दूध से तैयार होती है। अब मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और खपत कितनी है वो आप देख सकते हैं। और कितने रुपये किलो बिकती है? 440 रुपये किलो ये रबड़ी बिकती है, प्योर दूध की रबड़ी है भाई। तो ये देखिए जी रबड़ी का एक जो लॉट है वो ठंडा हो चुका है, और अब किस ह्यूमन स्पीड से, सुपर ह्यूमन स्पीड से यहाँ पे रबड़ी को निकाला जाएगा ना आप देखिए। तो जो परत पे इन्होंने रबड़ी को लगा निकाल के बाहर रखा था, अब इसको यहाँ इस तरीके से कट किया जा रहा है और इस तरीके से इसको स्क्रैप करके यहाँ नीचे की तरफ निकाल लिया जाता है। भैया ये जो आप निकाल रहे हो ये क्या मलाई है क्या? ये मलाई लगाते हैं फिर काट के निकालते हैं। मलाई निकालते हो फिर इसको लच्छे बोले जाते हैं। अच्छा लच्छे बोलते हैं। तो देखिए जी मलाई के जो लच्छे हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आ गए, इसको मिक्स भी करते हैं साथ में। अच्छा भगोने के अंदर यहाँ पे लगातार लच्छे वाली जो रबड़ी है उसको यहाँ डाला जाता है, रिफिल किया जाता है, और उसके बाद इसको दुकान पे ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप ये पीतल की जो यहाँ भगोना है उसके अंदर लगातार 100 किलो भैया ने बताया रबड़ी इसके अंदर आती है। तो जी ये है जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी, जो कि है आलू पनीर और प्याज की। और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना वो ये सब्जी खाए बिना नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं भाई उनकी जयपुर की यात्रा तो पक्का से इनकम्प्लीट रहती है। तो ये देखिए जी फाइनली जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। देखिए प्याज है, पनीर है, आलू है, और कितना बढ़िया ये मसाला है। अब इसको डिश आउट करके अलग अलग स्टोर्स पे भेजा जाता है यहाँ से। तो जी बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और अंकल की रबड़ी एक तरफ। अब आपने मेकिंग तो देख ली कि किस तरीके से बनाई जाती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी स्वाद है ये खाने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा लच्छे वाली रबड़ी ना मैंने कहीं नहीं देखी और कभी नहीं खाई। अब खा के बताता हूँ भाई। कम से कम 1 घंटे के लिए यहाँ पे दूध को इन्होंने अच्छे तरीके से काढ़ा है, उसके बाद जो रबड़ी है ना वो इसके ऊपर आई है, और कितनी लच्छेदार ये रबड़ी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको ये रबड़ी का मज़ा लेना है तो आपको आना होगा जयपुर में महावीर रबड़ी भंडार पे। ये अंकल आपको मिलेंगे यहाँ पे बैठे हुए, इनके हाथ की रबड़ी खाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये रिकमेंडेशन। मीठा हमने पहले खा लिया, अब आपको दिखाते हैं कैसी है आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी। तो जी ये जो थाली आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसकी कीमत है 130 रुपये, और 130 रुपये के अंदर आपको बेझड़ की ये रोटी दी जाती है, साथ में आपको ये सब्ज़ी दी जाती है आलू प्याज पनीर की, साथ में मिर्ची के टपोरे आते हैं, और साथ में आती है गार्लिक और मिर्ची की चटनी, और साथ में ये रायता। अब ये रोटी इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी कि मैं रिव्यू करने से पहले इसकी 2-3 बाइट ले चुका हूँ, और वो भी ऐसे ही देसी घी से एकदम बढ़िया तरीके से लब्बा लब्बा। ज़रा पास आओ आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितनी सारी मात्रा में इसमें ये देसी घी डाला हुआ है इन्होंने ऊपर से। अब इसमें डिप करें आप पहले रोटी को, उसके बाद ले इसकी बाइट। अब प्याज ले ले थोड़ा सा, ये ले ले थोड़ा सा पनीर, और थोड़ा सा ले ले आलू। ओए होए होए भाई साहब, थोड़ी सी लगाते हैं ऊपर से चटनी। अब खाते हैं ये बाइट, परफेक्ट। कितना? 130।
तो जी यकीन मानिए, अगर आप जयपुर आए और अगर आपने ये वाली सब्जी नहीं खाई ना इनकी, तो आपकी जयपुर की यात्रा ही इनकम्प्लीट है। और अगर आप असल खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये प्याज आलू और पनीर की सब्जी ज़रूर खाइएगा, साथ में ये बेजड़ की रोटी खाइएगा देसी घी के साथ। अगर आप ये वाली थाली नहीं लेना चाहते हैं, इसके अलावा इनकी एक और थाली है जो कि 270 रुपये की है, उसके अंदर आपको ये सब्ज़ी मिलती है, ये रोटी मिलती है, चटनी मिलती है, गट्टे की सब्ज़ी मिलती है, कड़ी मिलती है और दाल मिलती है। और 270 रुपये के अंदर आई थिंक आपका पेट बढ़िया तरीके से भर जाएगा। आइए खाइए और बताइए कि आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। इससे बेहतरीन सब्ज़ी शायद ही जयपुर में कहीं मिले आपको।